धोखा देने वाला अगर कोई अपना ही है और धोखा खाने वाला अगर शरीफ इंसान हो तो उसका नतीजा मौत है, और उस मौत की इच्छा रखने वाले के बदले से तुम बच नहीं सकते। आओ, आओ, आ जाओ। आ जा। रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट। मैं आपकी आरजे माधुरी हूँ। सारे हैदराबादी को मेरी तरफ से, हमारे सुपर प्रोग्राम की तरफ से सुपर हेलो। रोज बताओ से हमारी एक फरमाइश के गानों से आपका टाइम सुपर पास करती हूँ मैं। पर आज मैं आपको थोड़ा एक्साइटेड करने वाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आज का स्पेशल टॉपिक क्या है, तो जस्ट फॉलो मी। आज का हमारा टॉपिक है आत्माएं। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या आत्माएं सच में होती हैं? क्या उन्हें किसी ने देखा है? क्या आत्मा को देखने वाला जिंदा भी है? इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैं टॉलीवुड के एक हीरो से मिली थी। उन्होंने मुझे एक पुराने और बहुत भयंकर बंगले के बारे में बताया था। इतना ही नहीं, बंगले के बारे में मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। आपको भी उसके बारे में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सुपरहिट सॉन्ग आपके लिए। स्टे ट्यून्ड। भाई लोकेशन तो अच्छी है। ये पांडियन राजा का बंगला है। शूटिंग स्पॉट है क्या? नहीं, स्टोरी डिस्कशन स्पॉट है। स्टोरी डिस्कशन के लिए है क्या? तो फिर हीरो की क्या जरूरत है? पैसे उसके बाप के हैं इसीलिए। आपका नहीं है क्या? थू? तो फिर हीरोइन की क्या जरूरत है? वो हीरोइन का बगैर कहानी नहीं सुनता इसलिए। तो फिर लेकर आया हो क्या? क्या कहा? मतलब स्टोरी लिखने के लिए पेपर और पेन। वैसे राइटर कहाँ है? राइटर रात को आएंगे। राइटर्स? लो बजट फिल्म में, ये पता था। अब बजट बढ़ा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो फिर तू अपना रेंज कम करना। वो जैसे बोलते हैं वैसे ही करते हैं। हाँ, तो चलो सावधान रहना। सहर अभी कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो चलो। लगता है समझ में आ गया। ये यहाँ पर कहानी लिखने आए हैं। उस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको इन लोगों के बारे में बता देता हूँ। चलिए साथ मिलके देखते हैं। हाय, मेरा नाम है चैंटी। मैं हूं बिजनेस मैग्नेट, व्यापार का चुंबक। 64 कलाएं होती हैं, एक कला मेरे पास है, चोरी की कला। वैसे अब तक मैं 99 चोरियां कर चुका हूं और आपके सामने 100वीं चोरी करने वाला हूं। इतनी सारी चोरियां करने के बाद भी पुलिस आज तक मुझे पकड़ नहीं पाई है। जानते हैं क्यों?
दूसरे चोर किसी भी घर का सारा सामान साफ कर देते हैं, लेकिन मैं जरूरत का सामान ही चुराता हूँ। ज्यादा लालची चोर और ज्यादा तेज पुलिस वाले कभी भी सुखी से नहीं रहते, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। बम बम गुरुदेव। मुझे अब एक बाइक चाहिए, इसीलिए मैं 100वीं चोरी करूंगा। चाकू, खुद की सेफ्टी के लिए। रस्सी, सामने वाले को बांधने के लिए। टॉर्च, दिखाई नहीं देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यह है शूटिंग करने का कैमरा, क्योंकि हर पल कीमती होता है, चोरी की याद तो रहनी चाहिए ना। चिप्स, थोड़ी सी पेट पूजा कभी भी कहीं भी, मेरा फेवरेट। ओह, डोंट गो अवे, वॉच द थीव थ्योरी। टाटा, सी यू, बाय बाय, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। इसका नाम है क्रांति, नाम भले ही आधुनिक है पर ये पूरी तरह देसी है, इसलिए इसके पास हिम्मत थोड़ी ज्यादा है। इसका नाम गीता है, ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसने जो कह दिया वो होना चाहिए। यस, और ये मैं हूं, मेरा नाम है सीनू, मेरे पास जो है वो इन दोनों के पास नहीं है। नाटी, वही नटखटपन, ये सब छोड़ो, चंद शब्दों में कहा जाए तो इसकी हिम्मत और इसका जिद मेरी जान पे हावी हो जाते हैं। अरे बाप रे। अरे भाई, मुझे एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट मिल गया है। क्या मिला है? कुछ नहीं, बस हमारी रिसर्च के लिए एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे थे ना, अब वो मिल गया, बस फील फ्री, फील हैप्पी भाई। क्या कर रहा है? क्या है वो? कुछ नहीं यार, बरमूडा ट्रायंगल। यार, इंडियाना जोन्स, पहले इंडिया में ढूंढ। तुम कहाँ हो? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? इंडिया। तो फिर मैंने कहाँ ढूंढा? इंडिया। तेरी तो कधा। बकवास बंद कर। कौन कर रहा है बकवास? इस आंध्रा में, इस तेलंगाना में मेरी कितनी इज्जत है पता है क्या तुम्हें? समझा दो जाके उसे। हाँ, बिल्कुल सही बोला ना। बस कर यार, बंद कर तेरी कॉमेडी, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई है, और हम जो प्रोजेक्ट करेंगे वो हमारे पास में ही है। कहाँ है? हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पे क्या है? वो बहुत ही पुराने काल का शिवालय है, ये हमारा रिसर्च मटेरियल है। अरे मंदिर में क्या मिलेगा, वहां तो सब पत्थर है ना। पत्थर नहीं यार, डायमंड्स, हीरे। व्हाट यू मीन डायमंड्स? यस, ये कोई मामूली शिवालय नहीं है, काकटिया वंश का सबूत है। यहाँ के शिवलिंग की बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। उन कहानियों के अनुसार नित्य वहां हीरो से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद 600 साल पहले एक हादसे ने मंदिर की कहानी को बदल दिया। उस काल में एक महाभक्त हुआ करता था, वो निरंतर शिव ध्यान में समय बिताता था, वो अपने घर से ज्यादा मंदिर में रहता था। उस दौरान उसकी जिंदगी में एक हादसा हो गया, आधी रात को भूख के कारण उसका बेटा मर गया। उसने जिस देवता पे भरोसा किया उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। उस दुख और गुस्से में उस भक्त ने शिवलिंग पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। इसे अपशकुन मानकर गांव वालों ने मंदिर को बंद कर दिया। उस मंदिर को हथियाने की कोशिश करने वाले मुगल और ब्रिटिश उस मंदिर के अंदर कदम भी नहीं रख पाए, जिसने कदम रखा वो लाश बनकर वापस आए। ऐसा उस काल में उस मंदिर की अद्भुत कहानी है। वेलकम बैक। हम बंगले के बारे में बात कर रहे थे। हिस्ट्री के अनुसार वो बंगला त्रिविक्रम पांड्या नाम के एक राजा का है। ये बंगला कुछ 100 साल पुराना है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो भी जाता है वो मर जाता है, वापस लौट कर नहीं आता। ऐसा क्यों? फिलहाल इसका तो मुझे पता नहीं है, मुझे ही नहीं, दरअसल किसी को भी पता नहीं, ना ही कोई क्लैरिटी है। इस भयानक बंगले से संबंधित बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। मेरी पहचान के दो लोगों के पास इसका जवाब है, उन दोनों को इस बारे में कैसे पता? एंट्री के अलावा एग्जिट नहीं होने वाले उस बंगले में से बाहर आने वाले यही दोनों हैं।
Let's welcome to my show the producer Rakesh Satyanarayan ji and my dear friend Praveen. Okay. Hi Praveen. Hi. Hi sir. अरे बाप रे, कितना भाव खा रहा है. सर, मेरी ऑडियंस इशारे नहीं समझेगी. यहाँ बात करके सुनाई देता है, क्योंकि ये टीवी इंटरव्यू नहीं है ना सर. आई सी, तो फिर ओके. आप हमारे शो पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. अब पॉइंट ब्लैक से पॉइंट पर आते हैं, तो असल में आप इस बंगले में क्यों गए थे? कौन सा बंगला? वही सर, वो त्रिविक्रम पांड्या का बंगला. उस बंगले के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो उस बंगले में जाओ, राजा से पूछो, वो बताएंगे. हमको क्यों बुलाया? हम अपनी फिल्म के इंटरव्यू के बारे में सोच कर आए हैं, उस बंगले का झमेला हम क्यों लें? सर शांत हो जाइए. सर सर, अगर हमें पेन चाहिए तो हम अपने बगल वाले फ्रेंड से मांगेंगे ना, पीएम से जाकर थोड़ा ना मांगेंगे सर. ओ ऐसा है क्या? दरअसल हम उस बंगले से बाहर आ गए लेकिन वहाँ के वातावरण से बाहर नहीं आए. हमारे डायरेक्टर रवि बाबू स्टोरी डिस्कशन के लिए वहां हमें लेकर गए थे, लेकिन लाइट नहीं है जो कैंडल जला है. अगर लाइट होगी तो राइटर्स नहीं आएंगे. राइटर्स आ गए क्या? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी उनसे एक बार मिल लेता. हाँ, अब तक आए नहीं. जब तक हम बुलाएंगे नहीं वो नहीं आएंगे. पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, उनको जल्दी बुलाइए सर. अकेला बुलाऊंगा तो नहीं आएंगे, हम सब मिलकर बुलाएंगे तो जरूर आएंगे. तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि वो हॉलीवुड से आने वाले. ये उससे भी बड़े हैं. मेरा ओपनिंग जल्दी बताइए ना सर. अब तक कहानी तैयार नहीं हुई है तो तेरी ओपनिंग कैसे बताएंगे? इससे अच्छी तो मुंबई की हीरोइंस होती है. अरे पैंट की चेन खुल गई, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई देख ना ले. खुल गया. हाय मेरी जान, आज तो खुल जा सिम. मैं गया अंदर. बच्ची यहां पर? बच्ची कहां गई? कोई बात नहीं. अरे चंटी, कितना डरपोक है रे तू, एक बच्ची को देखकर डर गया. इस घर के सारे आदमी गांव गए हैं, इसलिए तो मैंने यहां चोरी करने का प्लान बनाया है. बच्ची को देखकर डरता है, बेवकूफ तू. चालू हो जा. ये क्या हो रहा है? वहां बच्ची को देखा, यहां बच्चे को देखा. चक्कर क्या है यार? वहां बच्ची नहीं है, यहां बच्चा भी नहीं है. तेरा दिमाग तो खराब नहीं है ना चंटी? होश में आ, क्या कर रहा है तू? चोरी करने के लिए आया है, पागल बनने के लिए नहीं. थू, सुधर जा बेटे. हाँ?
ये बहुत चालाक आदमी है, इसी बेडरूम को इसने लॉक किया है, बाकी सारे बेडरूम खुले हैं। ऊपर भी एक बेडरूम है। दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे अरे खुल जा। ओ नो शिट, मेरा बैग तो बाहर ही रह गया, दौड़ी दरवाजा बंद हो गया है। मुन्नी अब मैं क्या करूं? बाबू कहाँ हो तुम? ये कौन है? क्या कर रहे हो तुम? खेल रहे हैं माँ। कौन सा खेल? चोर पुलिस का खेल। चोर पुलिस का खेल? किसके साथ? हमारे घर में एक चोर आए हैं, हम उनके साथ खेल रहे हैं। चोर कहाँ है? ऊपर नहीं, घर के अंदर ही है। तू रुक, मैं बताती हूँ। पापा चोर चला गया। हे भगवान। ठीक है बहुत खेल लिया, अब जाकर सो जाओ। ठीक है माँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। इन बच्चों की तो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, इनके साथ तो मैं कबड्डी खेलूंगा। हेलो। अब क्या करूं, बुरा फंस गया मैं, कहीं पुलिस पकड़ लेगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, 100वां रिकॉर्ड भी टूट जाएगा मेरा। वाह, क्या मंदिर है यार, बढ़िया है। उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ मैन पावर के दम पर कितना बढ़िया मंदिर बना दिया है यार। गीता, उस तरफ की एक फोटो निकालो जरा। मतलब अच्छा है, तब से ये मंदिर बंद है क्या? हाँ, इस मंदिर की मान्यता की वजह से इस गांव की प्रजा ने इस मंदिर के आसपास आना बंद कर दिया है। इस मंदिर से संबंधित हमारे पास केवल एक ही आधार है, आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर द्वारा लिखा गया सिर्फ ये थीसिस ही बचे हैं बस। तो फिर इस मंदिर के अंदर कैसे जाएं? इसमें क्या है, जहां से जगह मिले वहां से कूद जाएंगे। वो देखो गीता, वहां से होगा शायद। कितना बड़ा दरवाजा है, इसको कैसे खोलेंगे भाई? पता नहीं यार। चलो देखते हैं यार। हट यार, ये किसी पुराने जमाने का दरवाजा लग रहा है। अब हम इस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी कहां से लाएंगे? इस दरवाजे को खोलने वाली चाबी इस मंदिर में ही कहीं आसपास होनी चाहिए। इस बुक में जो लिखा है उसके अनुसार ये पहली चाबी है। वायु में जो ये नंदी की मूर्ति है और धरती में जो ये नाग की मूर्ति है, ये तय किए गए वक्त में एक ही साथ घुमाना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो ही इस मंदिर के दरवाजे खुलेंगे। ओके, इसलिए शायद हर मंदिर में शिव के चेहरे की तरफ नदी की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ घुमा हुआ है। मतलब ये दोनों मूर्ति जब शिव के चेहरे की तरफ करेंगे तभी दरवाजा स्पेशल ओपन होगा। यू आर राइट। अरे इस मंदिर में हम रात भर रुकेंगे क्या? इस मंदिर के रहस्य का खुलासा करने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं।
अरे आओ यार। हाँ आ रहा हूँ, नहीं तो क्या बाहर ही रहूंगा क्या। वाओ, अमेजिंग आर्किटेक्चर। ए, आकर साफ करो यार, अंदर जाना है ना। क्या भाई, इस तरफ चलो। अरे यार, अरे सुन, इस दरवाजे पर सांप क्यों है? अरे बेवकूफ, शिवजी के गले में सांप ही होता है ना। तो फिर तो हमें अंदर जाना ही होगा। ये नागमणि है, दरवाजा खोलने की कोशिश की तो खतरा है। ये चेतावनी देने के लिए नागमणि बनाकर दरवाजे को बंद किया है। हाथ रखा ना तो खत्म हो जाता, मुसीबत में डाल देता। जा रे। मतलब ये दरवाजा तो सच में खतरनाक है। चलो यहाँ से चलते हैं। सीनू यार, इस तरफ चल यार। सांप है ना, डस लिया तो रक्षा करना। इतना रिस्क है इसलिए इस मंदिर में आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए उस प्रोफेसर को तो उतना गट्स होना चाहिए। यह मंदिर है, सुधर जा, समझी? वैसे वो प्रोफेसर अभी कहाँ है? हमारी ओर से ही आए थे पर वापस नहीं जा पाए। हाँ? मतलब चल बसे क्या? ऐसा ही कहते हैं सभी। ये क्या कोई मजाक है? टेंशन जैसे जैसे बढ़ रहा है टेस्ट उतना ही ज्यादा आ रहा है। ये खाना है क्या जो टेस्ट आ रहा है? ए, तो चुप रहे। तो फिर क्या कहते हो, वापस चले क्या? अभी नहीं, उसके लिए अभी टाइम है। वापस जाने के लिए भी टाइम दिख रहा है, ये मरवाएगा। ये क्या है सर? गेम। मैं समझ गया, राइटर्स के आने तक टाइम पास के लिए गेम खेलना है। मैं तैयार हूँ, कितना बैठे? रूल्स क्या है? ये पैसों से खेलने वाला गेम नहीं है, हिम्मत से खेलने वाला गेम है। अगर फिल्म बनाने के लिए कहानी चाहिए तो हमें ये गेम खेलना ही होगा। अरे यार, कितना कंफ्यूजिंग है सर, थोड़ा खुलकर बताइए ना। हमारे राइटर्स कोई और नहीं, आत्मा है। आत्मा? जी हाँ, आत्मा हमारी राइटर्स। क्या हुआ, शौक लगा क्या? तुम्हें यहाँ ऐसा लग रहा है तो सोचो हमें वहाँ कैसा लगेगा, गीली हो गई थी। इस आत्मा के बोर्ड पे गेम स्टार्ट करके एक एक आत्मा को बुलाएंगे। जो आत्मा आएगी वो अपनी कहानी सुनाएगी, उन्हीं कहानियों पर हम फिल्म बनाएंगे। क्या कहा, आत्मा को बुलाएंगे? क्या कह रहे हो, आत्मा को यहाँ बुलाएंगे और उसके ऊपर हम फिल्म बनाएंगे? मुझे डर लग रहा है डार्लिंग। लगता है फ्लॉप फिल्में बना बना कर दिमाग खराब हो गया है। मैं कहाँ फंस गया यार? खुल जाओ, खुल जा। अरे खुल गया, खुल गया, खुल गया। बेवजह चिंता मत करो, 24 घंटे में मैं अपनी बीवी और बच्चों को मार दूंगा। यहाँ कौन है, कौन है? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, आज एक दिन रुक जाओ। आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज के दिन मेरी बीवी और बच्चे इस दुनिया को छोड़ देंगे, उनको जहर दे दूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आज मेरे घर में घुसा था, मेरी बीवी और बच्चों को जहर देकर मार दिया और मेरे घर का सामान चोरी किया। ये कंप्लेंट लिखा दूंगा, पकड़ा जाएगा, समझ में आया ना? एक घंटे बाद मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगा। ओके बाय। कहाँ जाएगा? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ने साथ में जाने का फैसला किया था ना। आज हमारी शादी की सालगिरह है, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अपने बच्चे और पति को जहरीला दूध पिला देती हूँ। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई पूछेगा तो कह दूंगी एक चोर आया था, उसने मेरे पति और बच्चों को मार डाला और मार कर चला गया। इतनी सी बात है, बस सिंपल।
मुझ पर इल्जाम लगा रही है, इसकी तो मैं। कौन है वहाँ? ये तो यहीं आ रही है, बंद कर देता हूँ। कौन है यहाँ? बिल्ली है क्या? क्या यार चंटी, कहाँ फंस गया तू? सौवी चोरी तेरी इतनी खतरनाक होगी, ऐसा सोचा नहीं था यार। पति पत्नी एक दूसरे को मारने का प्लान बना रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये लोग बच्चों को भी मार देंगे, खुद को भी मार देंगे और मुझे फंसा देंगे। बाप रे! अरे यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं हम भी प्रोफेसर की तरह। बकवास बंद कर गधा कहीं का। और कितना समय है? अभी तो 3 बज रहा है और 1 घंटा बाकी है ब्रह्म मुहूर्त के लिए। अब ये मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित कहाँ से लाऊं? अरे सीनू, हाँ? ब्रह्म मुहूर्त मतलब? ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह के 4 बजे, समझ गया। अबे सीनू अब बस कर क्रांति, अब क्या करना होगा? 4 बजे तक उस मूर्ति को हमने जैसा सोचा था वैसे टर्न करना है ना। यू आर राइट। अभी हम पोजीशन चेक कर लेते हैं। गीता तुम नंदी की मूर्ति के पास जाओ। ओके। और सीनू तुम नाग की मूर्ति के पास। ठीक है, लगता है ये मार के हमारा जाना ही होगा। चल, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हम सब मारे जाएंगे, सोच के ही डर लग रहा है। जैसा बोला वैसा याद है ना, और डरने की जरूरत नहीं है। हाँ जा रहे हैं। अरे कहाँ फंसा दिया? अरे सीनू, करेक्टली जब मैं बोलूंगा तभी घुमाना, ठीक है ना? ठीक है। अरे सीनू अभी नहीं बे गधे, जब मैं बोलूंगा तभी घुमाना था। अरे सुन, ये साउंड कैसा है? अरे बिजली कड़क रही है, डरपोक तू पहले यहाँ से चल ना। हर चीज में डरता है, चल। अरे चल। कुछ भी कहिए, आपके डायरेक्टर साहब का थॉट अद्भुत है। कौन सा डायरेक्टर? वही सर, आत्माओं से कहानी बुलवाने वाला है? वैसे ऐसा कैसे मुमकिन है सर? है ना, मैंने भी यही पूछा है? हमारी फिल्म के लिए यही हाईलाइट पॉइंट है, आत्माओं की बताई कहानियों पे फिल्म बनी है, ऐसी पब्लिसिटी करेंगे तो फिल्म सुपरहिट होगी। पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है, पर आत्माओं को बुला के हम बात कैसे करेंगे? इस बोर्ड के द्वारा। ये क्या है? ओजा बोर्ड, मनुष्य और आत्माओं के बीच संपर्क करवाने का साधन है। ये क्या है, इसमें हर अक्षर आंखों की तरह है? बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इस बोर्ड पे ए से जेड तक अक्षर हैं और 1 से लेकर 0 तक आंख है, उस पर यस और नो जैसे शब्द हैं। हमें इस कॉइन को एक जगह रखकर आसपास की आत्माओं को बुलाना होगा। हमारी फ्रीक्वेंसी के पास की जो आत्माएं होंगी वो हमें ढूंढते हुए आएंगी, फिर हमें उनसे जो भी जानना है हम पूछ लेंगे। मुझ पे 10 लाख रुपए का कर्ज है सर, चुकाने के लिए मांगे तो वो देंगे क्या? इस गेम के कुछ रूल्स भी हैं, उसके आधार पर गेम स्टार्ट करेंगे तो इधर की आत्माएं हमसे गेम खेलेंगी। Be careful. हमें उंगली क्वाइन पे रख के आत्मा को बुलाना होगा। आत्मा के आने के बाद अगर किसी ने उंगली हटाई तो आत्मा को बहुत गुस्सा आएगा, तब वो आत्मा उंगली हटाने वाले के साथ ही रह जाएगी। आत्मा के आने के बाद हमें जो चाहिए हमें वही पूछना होगा। अगर फिजूल के सवाल करोगे तो आत्मा हिंसक हो जाएगी। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आत्मा के जाते समय आत्मा को इज्जत से गुड बाय कह के विदा करना होगा। उसके गुड बाय कहने तक हमें रुकना होगा, समझ में आ गया ना? इतना रिस्क लेकर गेम खेलकर आत्माओं को बुलाने की जरूरत है क्या? क्योंकि सक्सेस के लिए रिस्क लेना पड़ता है। वैसे भी इस पर भरोसा करना मुश्किल है सर, वैसे भी बोर्ड पर गेम खेलकर कोई आत्माओं को कैसे बुलाएगा? मैंने भी यही सोचा था, पर रवि जी ने इस विषय पर 3 साल तक रिसर्च की थी। फर्स्ट आत्माओं से बात करने का चलन चाइना में 12वीं शताब्दी में इजाद हुआ था, लेकिन
कई सालों तक इस बात को रहस्य बनाकर रखा गया था, फिर मनुष्य और आत्माओं से बात करने के बहुत तरीके सामने आए। 1894 में पहली बार ओजा बोर्ड का इजाद किया गया था। उसके बाद जेन रॉबर्ट्स नाम का अमेरिकन ऑथर सेठ नाम की आत्मा से बात करके उन्होंने अपने अनुभव को द बुक ऑफ सेठ स्पीक्स नाम से पब्लिश किया। 1978 में इटली के प्रेसिडेंट रह चुके रोमानो पोलो ने आत्माओं से बात की थी, ऐसा सब कहते हैं। इतना ही नहीं, रिसेंट ईयर्स जुलाई 25 को 2007 में कोस्ट टू कोस्ट नाम के रेडियो शो में भी इस ओजा बोर्ड पे लाइव एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। जेम्स मेरिल नाम के अमेरिकन पॉइंट ने ओजा बोर्ड पे एक्सपेरिमेंट करके आत्माओं को अपने शरीर में आने का न्योता दिया था, पर 1997 में उसके मरने से पहले इस ओजा बोर्ड का कोई गलत इस्तेमाल ना करे ऐसी चेतावनी दी गई थी। पेपर्स हैं। इसमें तो मेरी फोटो छपी है। क्या लिखा है इसमें? चोरी करने के लिए घर में घुसा और भूतों के हाथों जान से मारा गया। बाप रे, इसमें तो मेरा नाम लिखा है। ये डेट कब की है? अरे ये पेपर तो जल गया। अरे बाप रे, इसका मतलब कि मैं मर चुका हूं। मैं मर चुका हूं तो मैं जिंदा कैसे हूं? और वो लोग जिंदा हैं इसीलिए मुझे वो देख नहीं पा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मैं मरा तो मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ? पर मैं मरा कैसे? मैं तो जिंदा ही हूं, मैं नहीं मर सकता। आई आई, दर्द भी हो रहा है। मतलब मैं जिंदा हूं। इसमें सब रिकॉर्ड करता हूं, अब सब कुछ पता चल जाएगा। हाय। मैं तो जिंदा हूं। फिर वो सब क्या था? बाप रे, इसका मतलब वो लोग सबको मारकर सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देंगे। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहां से मैं कैसे भागूं? भागना जरूरी है। बाद में फोन करता हूं। ये लीजिए दूध, पी लीजिए। थैंक यू। आज हमारी शादी की सालगिरह है, ये लो। पहले आप दूध पीजिए ना। इनकी बातें रिकॉर्ड कर लेता हूं। खाओ। पहले आप पीजिए। पहले तुम खाओ। ये खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है, मना क्यों कर रही हो? लो खाओ। पहले आपको दूध पीना ये होगा। क्या तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है? प्लीज, नहीं खाओगी तो मुझे हर्ट होगा। अगर आप दूध नहीं पियेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। ए, प्लीज 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 थोड़ा खाओ ना, प्लीज। पहले आपको दूध पीना होगा। मतलब ये आत्माएं हैं? ए, प्लीज 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 थोड़ा खाओ ना। अरे बाप रे, भागो। लेट्स स्टार्ट द गेम, कम ऑन।
ए आत्मा आओ, तुमसे बात करने की हमारी इच्छा है। हमारे आसपास जो आत्मा है वो आ जाओ, हम आपके दोस्त हैं, हमारी मदद करो। ए आत्मा आओ। ए आत्मा आओ, ए आत्मा आओ, ए आत्मा। आत्मा तुम हमारे साथ ही हो क्या? हमारे साथ ही हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम सी एच ए एन टी आई, चंटी। चंटी है? चंटी, तुम्हारा नाम चंटी है? कौन हो तुम? तुम्हारी कहानी क्या है? चोरी करना एक मैनेजमेंट की तरह है। चोरी करने के लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है, पकड़े गए तो इंसानों को मैनेज करना पड़ता है, और मेरी फूटी किस्मत मुझे तो आत्माओं को मैनेज करना पड़ रहा है। मतलब ये आत्माएं हैं? अरे बाप रे, भागो। सर, सर, कोई है? खोलो दरवाजा, मैं चोर हूं। कहां जाऊं? सुनिए सुनिए सर, सर मेरी बात सुनिए। मैं यहां पर, मैं चोर हूं, मैं अंदर फंस गया हूं, मुझे यहां से निकालिए प्लीज। सर सर मेरी बात सुनिए, मुझे निकालिए, मैं अंदर फंस गया हूं, प्लीज मुझे बाहर निकालिए सर। दरवाजा खोलो सर, सुनिए। अरे सुनिए, मैं यहां पर हूं। अरे यार सुनो तो, दरवाजा खोलो। अरे कहां जा रहे हो? मेरी बात सुनो। शिट, अब मैं क्या करूं? अरे बाप रे, क्या करूं? ए खोलो खोलो। अरे खुल गया। अरे भगवान, ये कहां फंस गया? ये तो भूत है यहाँ पर। बजरंगबली बचा ले मुझे, बजरंगबली। आग, नहीं नहीं, Happy birthday to you. May God bless you. मैं कहाँ फंस गया? ये मेरा बर्थडे नहीं है। बुझ गई। चले गए, सब चले गए। कहाँ फंस गया मैं? किन भूतों के बीच में? क्यों चोरी करने के लिए आया? चुप कर, ऐसे डर रहा है जैसे भूत को देख लिया हो। तू मर चुके हो। कर देख मुझे। पर भी मुझको डाउट हो रहा है। तुझे यकीन दिलाऊं क्या? बाप रे, अगर आत्मा मारती है तो चोट लगती है क्या? लगी ना, मैं भूत नहीं हूँ। एक्चुअली मरी है मेरी बीवी और वो मरकर भूत बन गई। ए, मतलब? तुम भूतों से बता रहा हूं, ये मान नहीं रहा। आकर इसे डराओ। वाह देख। आ, आ, आ,
अरे बाप रे, भागो। समझ में नहीं आ रहा कौन इंसान है कौन भूत है, मैं क्यों आया इस घर में। अरे मेरी फूटी किस्मत। तुम चुप कर। तुम भूत नहीं हो क्या? मैं भूत नहीं हूँ, मेरा पति भूत है। क्या मजाक है ये? वो बोलता है कि तुम भूत हो, तुम बोलती हो कि वो भूत है। भूत भूत खेल रहे हो क्या मेरे साथ तुम लोग? मैंने खुद दूध में जहर मिलाकर मेरे पति और बच्चों को मार डाला। अब सबूत क्या है तुम्हारे पास? अब मारना मत, मारना मत। अब यकीन हुआ? वो सब मर के भूत बन गए, इस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मेरे पति मरने के बाद भूत बन गए हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर हैं। अरे बाप रे, मैं भूतों के बीच में फंस गया रे। ए, चुप कर, चुप कर। बच्चो बहुत खेल लिया, अब ये खेल बंद करो। क्या बात कर रहे हो, गेम है? नॉटी किड्स। अब मैं चलता हूँ। जिस काम के लिए था वो तो भूल गया, चोरी करने आया था ना, मतलब चोरी में जो है वो ले ले। क्या सच में? कंफर्म? पक्का? पक्का। लॉक कर दे। लॉक नहीं करेंगे, ओपन करके ले ले, लाखों रुपए। लाख? लाख रुपए नहीं चाहिए, 50,000 ही बहुत है। 99 चोरियां कर चुका हूँ, एक और करनी है, 100 पूरा हो जाएगा बस। थैंक यू, थैंक यू। पास जाएगा तो मार दूंगा वहां पे। कितने अच्छे लोग हैं। अरे अरे चंटी, इंसान में इंसानियत अभी भी जिंदा है, सब मेरे जैसे नहीं होते। सुपर्ब, क्या बात है। सोना? नहीं नहीं नहीं, गलत, मेरा वहम है, इसे खोल कर देखता हूँ। ओह पैसे, इतने सारे। कोई बात नहीं, एक ही रखता हूँ। जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, बस इतना बहुत है। हाँ, इतना ठीक है। दूसरा चोर आएगा उसके लिए भी होना चाहिए ना। एक बार गिनता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ये लोग कहाँ गए? सर, मैडम, छोटू, कितनी महान फैमिली है इनकी। मुझे चोरी करते हुए देखने के बावजूद आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया। एक, दो, तीन। अब भाई क्या कर रहे हो, पैसे भी गायब हो गए। अरे ऐसा मत करो। अरे बाप रे, भागो, दरवाजा खोलो, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये सच में भूत, ये सच में आत्मा है, ये सच में आत्माएं हैं। ये मेरी जान ले लेंगे, ये मेरी जान ले लेंगे, छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, भूत आ रहा है, भूत आ रहा है, भूत की पूरी फैमिली आ रही है। अरे अरे, खोलो 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 खोलो, कोई तो खोलो। अरे ये मेरी जान ले लेंगे, बचा लो मुझे, बचा लो, बचा लो। अरे नहीं नहीं, ये मेरे पास आ रहे। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा, माफ कर दो। क्या चाहते हो तुम, भूत हो या आत्मा हो या इंसान हो? हम आत्माएं हैं। आत्माएं? 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 हेलो, जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन है क्या? हाँ बोलिए। सर, मेरे फ्लैट के ऊपर से रात को हमेशा भयंकर आवाजें आती हैं। ए, ए भाई, लगता है मर गया सर। सही कह रहे हो, कोई क्लू मिलता है तो देखो। ये
अंकल, मर जाओ अंकल, हमें आपके साथ हमारे साथ रह जाओ अंकल, मर जाओ अंकल, मर जाओ अंकल। इस घर में आने वाला कोई भी जिंदा बचकर बाहर नहीं गया, तेरे साथ भी यही होगा। मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। आपने हमारे कहने पर अपनी कहानी बताई, इसके लिए थैंक यू एंड गुड बाय। सर थोड़ा अर्जेंट है, बाथरूम जाकर आऊं क्या? अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लो। क्या सर आप भी, हाँ कितने फिल्मों में कितने आत्माओं के साथ खेला है हमने, आप डर रहे हैं या डरा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, चिंता मत कीजिए। कूल, जाकर आएगा तब पता चलेगा, देखते हैं। चंटी डर की वजह से मर गया, ये यहाँ पे डर का ना होने की वजह से आया है। वैसे मैं कौन हूँ ये मैंने बताया नहीं, मैं कौन हूँ पता नहीं, मैं कौन हूँ पता नहीं कहोगे तो बताए बिना रहूंगा क्या? मैं हूँ डर, डर हूँ मैं, डर हूँ मैं, डर हूँ मैं। चंटी का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। उस चंटी की मौत में इसको इतना इंटरेस्ट क्यों है? लिसनर्स, फॉलो कर रहे हैं ना आप हमारा सुपर शो? आप कर रहे हो या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वो रिमेनिंग एपिसोड का क्लाइमेक्स सुनने के लिए। अब पता चला? ये क्या सर, आप भी इस स्टाइल में स्टोरी डिस्कशन मुझसे नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। तो चला जा, कहीं और नहीं जा सकता। आज रात जब तक ये गेम खत्म नहीं होता कोई यहाँ से नहीं जाएगा। हमारे आसपास बहुत सी आत्माएं हैं, ये तो समझ ही गए होगे। सब कुछ लिख लिया ना? लिखा है सर, लिखा है। चलो दूसरी आत्मा बुलाते हैं, उंगली रखो। ओ आत्मा आओ, ओ आत्मा आओ। ये अभी कहां जा रहा है? INDU इंदु, कौन हो तुम, तुम्हारी कहानी क्या है? काहे का अमीर है, भिखारी कहीं का। ए, मार्केट ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ देना होगा, नहीं तो नहीं तो बुरा लगेगा। निकाल निकाल निकाल। ए, पैसे निकाल, पैसे निकाल। भाई ये दिखता नहीं क्या? क्या भाई, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। ए, इस मार्केट को मैंने गोद लिया है, तुम सब्जी बेचते हो इसलिए पैसे नहीं ले रहा, पैसे लेना मेरा हक है। निकाल, वो सिर से भी निकाल। तू क्या समझता है, वहां रखेगा तो पता नहीं चलेगा? ए, दो दिन नहीं है तो पैसे देने में नाटक कर रहा है, चल निकाल, आगे से ख्याल रखना। ए, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? निकाल पैसे। शक्ल इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है भाई? अभी बोनी नहीं हुई है, ऐसा मत करो ना। ना ही माइंड में कुछ है, ना ही गले में कुछ है, उस पेट में क्या रखा है? निकाल, ए निकाल, पकड़ से निकाल पैसे।
निकल बे। आजकल के लोग बहुत होशियार हो गए हैं। कोई इसके गले में बकेट लटकाओ, नहीं तो पूरा मार्केट डुबा देगा। क्या देख रहा है? कौन है भाई ये? महेश की बहन लग रही है। जाओ बाकी लोगों से पैसा वसूल करो। तुम कहाँ जाओगे भाई? यही आ रही है, यही आ रही है। यही आ रही है भाई। हे भगवान, हटो रे। वन किलो बोनलेस फिश। हेलो, तुमसे ही वन किलो बोनलेस फिश। सुनाई दे रहा है क्या? बिना कांटे वाली मछली चाहिए, मुंह में रखते ही पिघल जाए मैडम जैसी। ड्रेस काफी अच्छा नहीं है जैसे भाई। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। भागो रे, भाई की पूरी इज्जत गई। इडियट। भाई फिर मिलते हैं। या जस्ट रीच्ड। यस। डर नहीं है? दैट्स ओके। मॉडलिंग अच्छी चल रही है, इनकम सोर्स सुपर ही चल रहा है फिलहाल तो। ओके, और बढ़ गया है? चेन स्मोकिंग कर रहे हैं? ये फिश लाई हूँ, कुक करना होगा। सेल्फ कुक ही, आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। इसीलिए मॉडलिंग करती हूँ ना, रॉक्स को कैसे डील करते हैं मुझे ठीक से पता है। ओके बाय। ये क्या, दरवाजा तो बंद था ना, शायद भूल गई होंगी।
हमारे कहने पर आपने अपनी कहानी बताई, इसके लिए थैंक यू एंड गुड बाय। इंदु की स्टोरी बहुत भयंकर थी सर। हाँ, टॉर्चर करके मार दिया उन सब ने। अरे मेरी वॉच नहीं मिल रही सर। सर मेरे गॉगल्स भी नहीं मिल रहे सर। सर सर मेरा कैप भी नहीं मिल रहा है। मेरा कैप कहाँ गया? मेरा सिगरेट का पैकेट नहीं मिल रहा है सर। सर मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है सर। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये फिकर मत करो, चंटी की आत्मा हमारे साथ खेल रही है, कुछ नहीं होगा। ये कैसी आत्मा है सर? रिवेंज लेने वाली एक आत्मा है, चंटी को डरा के मारने वाली आत्मा चार है। आपने ऐसा ही कहा था, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। आत्माओं को आत्माएं मारने वाली कहानी सुन रहे हैं सर। तीसरी कहानी पे चलें क्या? ठीक है शुरू करते हैं। ए आत्मा आओ, तुमसे बात करने की हमारी इच्छा है। तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारी कहानी क्या है? अरे श्रीनु अपनी कहानी सुनाओ। ये रिसर्च हम रात को क्यों कर रहे हैं यार? दोपहर को ज्यादा सही रहेगा ना। ए ऐसे डिसअपॉइंट क्यों हो रहे यार? इस मंदिर के सीक्रेट को हम सामने लाएंगे तो समझो सक्सेस हो गए। कुछ भी बोलता है यार। यही तो रखा था। ए, गीता, वो पहले से डर के मारे मरा जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, हम दोनों का खींच। हेलो हे, अभी अपलोड किया और इतनी जल्दी इतने सारे लाइक्स आ गए। शक्ल भी तो अच्छी होनी चाहिए। हटना गधा कहीं का। क्या यार ये? और नहीं तो क्या यार, हर किसी के लिए कॉमन हो गया है। इतना ही नहीं, सुबह सुबह उठ के बाथरूम में जाते हुए I'm going to bathroom ऐसे फोटो खींचकर फेसबुक पे डालते हैं। अरे आखिरकार फेसबुक को ही जान बना के रखा है लोगों ने। हाँ तो तूने क्या किया बे? इतना कुछ कह रहा है? निकाल ए गीता, फोन निकाल, फोन निकाल, निकाल। पता नहीं होगा। हम ए गीता रहने देना। ए गीता, ए तेरा फोन मेरे पास है, फोड़ दूंगा। ए तोड़ दे, दीना यार नीचे मत गिराना उसे। अरे तोड़ दे दीना, अगर नीचे गिरा तो देख। प्लीज यार लेकर चलो। बैठ 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 बैठ। ओके चल एक सेल्फी। ठीक है आजा। हाँ वन सेकंड। कौन है वो? देखते हैं यार, टेंशन मत लो। चलो हाँ चलो। ओके कौन है, कौन है वहां? भाई घर चलते हैं ना। चिंता मत कर, साइलेंटली आजा, आगे बहुत अंधेरा है। क्या यार तू खुद डर रहा है और हमें भी डरा रहा है। अरे बाप रे, चुपचाप चलना। भाई मेरी बात मान भाई। ओए मुझे डर लग रहा है यार। हे चुपचाप आवाज किए बगैर चलो, देखते हैं कौन है वहां पे। श्रीनु पीछे पीछे आओ। नथिंग, जस्ट भ्रम है। मैंने बोला था ना कुछ भी नहीं है, ये तो बस सरप्राइज के लिए था। अरे भाई भाई मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। वापस चलते हैं यार। प्लीज मुझे भी डर लग रहा है, वापस चले। अगले 5 मिनट ठहर जाओ, 5 मिनट में हमारे डर का निवारण मिलेगा, फिक्र मत करो। सुनो तुम दोनों, जो तय की है अपनी अपनी पोजीशन पे जाओ। तीनों कॉन्फ्रेंस पे रहेंगे, जब मैं कहूंगा तब मूर्ति को घुमा के दरवाजे के पास आ जाना। अरे सिनु तू संभाल के जाना। जाना ही होगा क्या? जा यार कुछ नहीं होगा, जा। अरे बाप रे, ये रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। जय हनुमान जी, मुझे बचा लेना। गीता सेनू गेट रेडी। रेडी भाई रेडी। 1 2 3 ओके मूव।
क्रांति, 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 सिनु आया क्या? वो वहाँ नहीं है। तुम फिकर मत करो, वो बिल्कुल डरपोक है, यहीं पे कहीं होगा। चलो ना यार, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुम बेवजह टेंशन ले रही हो, we are almost done. सर, हमारी कहानी बढ़िया है सर, सच में सर, फिल्म बनाएंगे तो फिल्म सुपर हिट है सर। वो सब तो ठीक है सर, पर आत्माएं होती हैं, हमारे बुलाने पर आती हैं, आपको कैसे पता? हाँ, मेरा भाई यहीं खो गया था। आत्माओं के लिए आया हुआ मेरा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पर खो गए थे। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ पता नहीं चला। मतलब आपका भाई मर गया? हा? किसने मारा? आत्माओं ने। आत्माओं ने? हाँ। आपको कैसे पता चला? इंटरनेट पे देखा है मैंने। इंटरनेट पे देखा है क्या? मेरा भाई एक गोस्ट हंटर था। मतलब? आत्माओं को ढूंढने वाला। ऐसा क्यों? ये उसका पैशन था और समाज में इसी वजह से उसकी पहचान बन गई थी, उससे वो सेलिब्रिटी बन गया था। पहले ही केस के बाद उसे पूरा देश जानने लगा। मिस्ट्री वाले एक घर का केस सॉल्व कर दिया था जिससे उसे सक्सेस मिली और वो काफी सफल हो गया। पेचीदा और भयानक केसेस भी वो सॉल्व कर सकता है, ये उसने प्रूव किया। इसके अलावा पुलिस जो केस सॉल्व नहीं कर पाती थी वो सारे केस भी उसे मिल गए। पहला केस इस पांडियन राजमहल का केस उसको दिया गया। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, पूरी जानकारी लेकर ही जाऊंगा। हाय हनी। तुम तो बातें बनाने में उस्ताद हो। क्या कर रही हो? अभी कॉल करता हूँ, ऐसा कितनी बार कहा है। यार वो बात नहीं है। बोलो बोलो। बात यह है कि कारण मुझे मत बताओ, सच बताओ। बोलो। कल परसों बोला था, अभी तक 48 आवर्स हो गए, अभी भी तुमने कुछ नहीं बोला। अब बोलो क्या बोलोगे तुम? मुझे नहीं बात करनी अब। सॉरी श्रुति, इससे पहले तो हनी बोला था। ठीक है, अभी क्या करूँ ये बताओ। मेरे सामने आओ। आने का मन तो है मगर आने की पोजीशन में नहीं हूँ। हाँ समझ गई, अभी भी भूत बंगले में हो? बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, इसकी हिस्ट्री पूरी तरह से मिस्ट्री है, थोड़ी देर में पता लगाता हूँ। वहाँ पे अगर कोई लड़की मिल जाए ना तो उसी के साथ घर बसा लेना और मुझे भूल जाना, ठीक है? गुस्सा मत करो यार, देखो इस काम की जिम्मेदारी मुझ पे है। हाँ हाँ दिया होगा। तुम्हारे जीने के लिए चाहिए फोटोग्राफी, लेकिन तुम्हारा प्रोफेशन ये नहीं है सूर्या। सुनो, फोटोग्राफी से मुझे याद आया, उस एड फिल्म का फोटो भेजने के लिए कहा था, भेज दिया क्या? फोटो लेने के लिए कहा था, लिया क्या? यार वो तो है। क्यों? टॉपिक डाइवर्ट करने की सोच रहे थे लेकिन पकड़े गए ना। बात वो नहीं है। तुमसे उम्मीद करूंगी तो कुछ नहीं होगा। होगा अगर तुम यहाँ पाओगी तो। अभी? यस। वहाँ? हाँ यहीं, जल्दी आ जाओ। मुझसे छुटकारा चाहिए क्या? छिछे कैसी बातें कर रही हो। भूत बंगले में मैं क्यों आऊँ?
देखो मुझ पे भरोसा है तो आ जाओ सूर्या। जल्दी आ जाओ। आओ। वाओ, व्हाट अ लोकेशन। अरे सती, बाप रे, मुझे डर लग रहा है यार। फिर से सोच ले यार। सोचने वाला ये सत्या नहीं है भाई, भागने वाला डरपोक तू है। अच्छा, भरोसा नहीं है तुझ पर? भरोसा है तो भी। हाँ। भूतों से पंगा लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे रोड पर खाक छानने वाले तुझे कैमरा दिया और मुझे ये माइक दिया। चुपचाप चल, मार डालेगा क्या? तुझे मारने के लिए यहाँ तक लाने की जरूरत नहीं है। मेरा क्लोजअप फोटो तेरे क्लोजअप फोटो पर लगा दूं, तू ऐसे ही मर जाएगा। अभी हमारी स्टोरी। अरे सती, स्टोरी तो भगवान की, नेताओं की स्कैम पे लिखते हैं, पर ये भूतों पर क्यों लिखे यार? अरे पागल, जो सब करते हैं वही हम भी करेंगे तो कौन देखेगा? अगर वही कुछ हटकर करेंगे तो बम करके हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। अब तू डरना बंद कर, जूनियर आर्टिस्ट आए कि नहीं जाकर देख, और फिर हम ऐसा करेंगे। क्या करना होगा? टीवी देखने वाले का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को दिल दहलाने वाली कहानी सुनाता हूँ। हेलमत यार, सालों पहले यहाँ पर एक राजा हुआ करता था। हिले बिना बोल नहीं सकता, बहुत ही खूंखार। वो बहुत ही खूंखार, क्रूर, निर्दयी। बाप रे, एक नंबर का दरिंदा और जालिम था वो राजा। अरे सत्ती, क्यों रिस्क ले रहा है यार? जानबूझकर हम खाई में क्यों गिरे यार? रहने दे, चल यार। मैं खाई में नहीं गिरने वाला, तू मुझे डरा मत यार। चल तू एक काम कर, ऊपर कैमरा लेकर जा और मुझे फॉलो कर। मैं ऊपर जाऊंगा, तू कुछ देर एम्प्टी फ्रेम छोड़ दे। ग्राफिक्स में भूत को इधर उधर घूमते हुए दिखा देंगे। तू काम शुरू कर। ठीक है, तू जा जा। यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं। एंगल सेट करता हूँ। सूर्या, सूर्या, सूर्या। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंट। खूबसूरती इसे कहते हैं। सुपर, मजा आ गया। इसमें थोड़ा खर्चा करके ग्राउंड फ्लोर दास भाई को दूंगा और फर्स्ट फ्लोर पर मैं रहूंगा। यस, गुड आइडिया। ओ, जूनियर आर्टिस्ट आ भी गए क्या? अरे रे 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 रे, एक बार लुक बताना मैडम। इस गेटअप में बढ़िया लग रही हो तुम लोग। अरे बाप रे बाप, तुम लोग आर्टिस्ट हो कि भिखारी हो? मैंने पूछा कब आई हो तो सर फट जाए ऐसी आवाज निकाल रही हो। तुमको इतना ही आता है क्या? कम से कम सही पोज तो दिखा दो प्लीज। रेडी, पोज में आओ। अरे वाह वाह वाह, पिंक तुम पोज में आओ। सुपर, तुम पोज में आओ। दास भाई आने के लिए मना कर रहा था, फिर भी नहीं माना मैं। यहां से भागना होगा। कहां जाऊं? साइलेंस साइलेंस। सॉरी दीदी, आई एम वेरी सॉरी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे बगल में जाना था लेकिन बाई मिस्टेक मैं इस कमरे में आ गया। इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। मेरी प्यारी बहनों, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए दीदी। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू दीदी।
मैं आपके पैर पड़ता हूँ दीदी, छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर दीजिए। वो दीदी नहीं आई मारने, तुम कितनी अच्छी हो दीदी, अगर तुम राखी नहीं बांधोगी तब भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा दीदी। दीदी को देखकर तुम लोग कुछ सीखो ना, बाप रे दीदियों ने मारकर मेरी खोपड़ी तोड़ दी। विक्रम पांडियन चरित्र। अभी यहाँ से कोई गया क्या? हाँ, नीचे एक गिरा हुआ है, यहाँ पे तुम, तुम्हारे पीछे वो। ठीक है ठीक है, पहले निकलो यहाँ से। बाप रे, ये महल ऐसा क्यों है और इस महल की क्या कहानी है? हाँ बताता हूँ, ये 16वीं शताब्दी की पुरानी महल है। यहाँ त्रिविक्रम पांडियन नाम के महाराजा रहते थे। उनको ये महल बहुत पसंद था। उस राजा ने बहुत प्यार से इसका निर्माण किया और राज करता था और बहुत ही खुशी से रहता था। वो बुद्धिमान है, गुणवान है। उसके पास जो भी सहायता के लिए आता था वो उसकी मदद करते थे। वीर त्रिविक्रम ने जिस युद्ध में भी हिस्सा लिया, जीत का सेहरा उनके माथे पर सजा। लेकिन उस राजा की एक ही दुर्बलता थी, अहंकार। उस राजा का एक भाई था। हर कहानी की तरह इस कहानी में भी उस राजा के भाई की नजर उसके सिंहासन पर थी। राजा के अच्छे कारनामों से राजा का नाम और इज्जत बढ़ गई और भाई की ईर्ष्या बढ़ती गई। जब तक राजा जिंदा है भाई राजा नहीं बन सकता था, इसलिए सैनिकों को अपनी तरफ करके इसी महल में उसने राजा को बंदी बना दिया। इस अपमान को महाराज पांडियन सह नहीं पाए और अपने शरीर को जला दिया। और तब से वो इस महल में आत्मा बनकर घूम रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। उनको जिस कमरे में बंद करके रखा गया वो हाँ ये रहा। तब से यहाँ इस महल में आने के साहस किसी ने नहीं की। हा? अगर किसी ने किया तो क्या हुआ राजा साहब, फिर से आप मुझे वहीं लेकर आ गए? हाँ
हम जो कहानी बनाएंगे उसमें मेरे भाई विश्वा की भी कहानी है। तो फिर सर ये पांचवी कहानी कौन सी है? पांचवी कहानी अगर चाहिए तो पांचवी आत्मा होनी चाहिए। सुबह होने वाली है, कम ऑन क्विक, लेट फिनिश द गेम। हे आत्मा आओ, हे आत्मा आओ। सर ये क्या है सर, बिजली का शॉक लगा? हाँ, ऐसे शॉक कैसे लगा? सुबह हो गई है ना, इस वक्त आत्मा नहीं आती है। जो आत्मा आती है वो वापस नहीं जाती है। आज रात तक इंतजार करना होगा। वैसे अभी आत्मा आई भी है कि नहीं? वो आई है या नहीं इसका संदेश नहीं मिलता या कोई हादसा नहीं होता तब तक पता नहीं चलता। तुम सब फ्रेश होकर आ जाओ, मैं कहानी लिखता हूँ। ओके सर, चलो कम ऑन प्रिया, लेट्स चलो चलते हैं, जरा बाहर जाकर घूम के आते हैं। ये सिगरेट कहां से आई? कौन है वहां? मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी कर लो मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भागने वाला हूं। क्यों भाई, ऐसे कांप क्यों रहे हो? ठंड है सर, ठंड है, इसलिए मैंने ये जैकेट पहना है। लेकिन आपने ये रुमाल क्यों पहना है? किसी का उधार चुकाना है क्या? है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, डस्ट बहुत है ना, कहाँ बैठना है बोलो? महल में? महल में, पुराने महल में। ओके। क्यों भाई, नरेट करते समय तुम्हारी ये हालत है? फिल्म बनाएंगे तो क्या होगा? सर, नरेट करते समय अगर आप इतना डर रहे हो तो फिल्म रिलीज होने तक आप नहीं रहेंगे सर। आई मीन टॉलीवुड में नहीं सर, डायरेक्ट बॉलीवुड। मतलब टॉलीवुड से सीधा बॉलीवुड चले जाएंगे? वाह क्या बात है। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो हमारा नाम नाम सत्य हो जाएगा। भागो। यहाँ पे क्यों लाए हो? बस ऐसे ही, ये लोकेशन देखने के लिए। हाँ? प्रिया, तुमने हाँ? हमारे बारे में क्या सोचा है? अरे वही जिस बारे में मैंने पूछा था। किस बारे में? उस बारे में। वही तो, किस बारे में? पहले ही पूछा था ना प्रिया। अभी वो सब शूटिंग खत्म होने के बाद। अभी मेरी बात मान जाओ ना प्रिया, प्लीज। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मेरे पापा है, तुम जानती हो ना। तुम मुझे पसंद हो इसलिए इस फिल्म में हो। प्रिया प्लीज, अभी प्लीज, प्लीज करनो दो ना, नो, दूर हटो प्लीज। प्रिया थोड़ी देर, क्या हुआ? क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों परेशान? वहां देखो, भागो यहाँ से, भागो। ये बाहर है, तो अंदर कौन है? गाड़ी छोड़ो यहाँ से, जल्दी चलो।
तुमने ऐसा क्यों किया? वहां राजा को बंदी बनाया, छेछी उसे बंदी बनाया। आज से मैं हूं यहां का महाराज। श्रुति चलो, चलो श्रुति, श्रुति चलो, श्रुति 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 आप मुझे यहां बुलाकर बिना कहानी सुनाए कहां जा रहे हो? कहानी? हाँ, पांचवी कहानी। पांचवी कहानी किसकी? तेरी। मेरी? ये मेरा साम्राज्य है, यहां का मैं ही राजा हूं और हमेशा मैं ही राजा रहूंगा। देखा, ये हुआ था, अब पूरा समझ में आ गया ना? समझ आ गया, लेकिन एक छोटा डाउट है। उस बंगले में जो जाता है वापस लौट कर नहीं आता, पर आप दोनों वापस कैसे आए? क्या हुआ सर, बताइए ना। सर अब बाहर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ, पर वो सवाल? इनके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। तो फिर ठीक है, आप जाइए सर। All right, sir. मैं चलता हूँ। बाय सर। असल में वो एक सवाल ही इंसानों में आज तक डर पैदा कर रहा है। दरअसल उस बंगले से सिर्फ हम दोनों ही नहीं, छह लोग बाहर आए और उनमें से चार मर गए। सिर्फ हम दोनों ही बच पाए, हम भी मर जाएंगे। यही हमारी किस्मत है। आपने उस बंगले में जाकर गलती की, ऐसा लग रहा है क्या आपको? ऐसा कुछ नहीं लगा माधुरी। मतलब जब हम कभी बाइक पर सफर करते हैं और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसी तरह हमने इसे भी एक्सीडेंट मान लिया। ओके माधुरी, ऑल राइट, आई विल टेक अ लीव नाउ। गुड नाइट लिसनर्स, टेक केयर, बाय बाय बाय। सुन लिया ना लिसनर्स, आज का एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग था और थोड़ा बहुत डरावना था ना, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। वैसे उन दोनों ने आकर आत्माओं के बारे में आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई है ना। ओके, ऐसे हमारे शो में हम आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। आज के लिए एक छोटा सा पॉज देते हैं, मतलब गुड नाइट, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।